कंगना रनौत ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा खुलासा किया है कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। कंगना ने बताया है कि बचपन में कैसे एक लड़के ने उनके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। दरअसल कंगना इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप होस्ट कर रही हैं। इस शो के कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी ने अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि मैं जब 6 साल का था तब मेरे साथ कई सालों तक यौन शोषण किया गया। ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे 2 रिश्तेदार ही थे। ये 4-5 सालों तक चलता रहा। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो परिवार के करीबी थे। ऐसा 3-4 सालों तक चलता रहा। फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया तब उन लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। मुनव्वर की ये कहानी सुनकर सभी कंटेस्टेंट की आंखों से आंसू निकल आए। वहीं कंगना भी फफक पड़ी और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उस खौफनाक दर्द से पर्दा उठाया जो उन्होंने अपने दिल के कोने में कहीं समेट कर रखा था। कंगना ने बताया कि बचपन के दिनों में मेरे शहर में एक लड़का था जो मुझसे उम्र में कुछ ही साल बड़ा था, जो मुझे ज़बरदस्ती गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था, लेकिन कम उम्र होने की वजह से मुझे ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी। कंगना ने कहा कि कम उम्र में बच्चों को इस तरह की शिक्षा भी नहीं दी जा सकती क्योंकि छोटे होने की वजह से बच्चे कुछ नहीं समझ पाते। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से बच्चों के मन में जिंदगी भर के लिए डर बस जाता है। हालांकि कंगना का ये सच सुनकर लोग हैरान रह गए हैं, लेकिन कंगना की इस बात में सच्चाई है क्योंकि ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि गाँव हो या शहर, बचपन में किसी न किसी रूप में बच्चे का यौन शोषण या तो होता है या ऐसा करने की कोशिश की जाती है। आपका क्या कहना है इस पर, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।